अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइनली आज मैंने व्लॉग बना ही लिया, तो आज मैंने जो बात करनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो लोग रिमेर खान में रहते हैं या जिनके रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनके लिए कुछ मैं बात आपके साथ शेयर करूंगी कि यहाँ आपको पता है कि मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा था। मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी अफरातफरी में हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहा। तो जी प्लीज़ आप एक चीज़ का एहतियात कीजिएगा कि बहुत केयर कीजिएगा अपनी, अपने बच्चों की। यहाँ पर जो वायरस है सलाबजदगान की वजह से, जो आबो हवा में फैली हुई है बीमारी, बहुत ज़्यादा गंदी है। बहुत ये ऐसा बुखार है, इंजेक्शन लगवा लो, जो मर्ज़ी कर लो आप लोग, जितने दिन इसने स्टे करना है करना है। तो हुआ ये कि मुझे ज़ुकाम हो गया, मेरा गला जो है ब्लॉक हो गया, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था, अंदर से कट लग गए, पता नहीं क्या कुछ हुआ, मुंह पे मेरे पिंपल भी निकल गए गर्मी की वजह से। ऑफ कोर्स के जब हमारा मुंह पका रहेगा तो स्टमक तो प्रॉब्लम वो तो बननी ही बननी है। तो फिर इतना एहतियात किया मैंने, इंजेक्शन भी लगवाए, उसके बाद बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा था, पट्टियाँ तक रखी, मैम बीमार होगी, मेरे हस्बैंड बीमार होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर बीमार होता गया। तो शुक्र अल्लाह का मेरे अबू बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, हाँ वीकनेस है, अब घर आ चुके हैं। तो जी मैंने मेडिसिन भी ली, सारा कुछ खा लिया। तो ये कि 2 घंटे ठीक रहता था बुखार, 2 घंटे बाद फिर चढ़ जाता था, और इतना ज़्यादा गंदा चढ़ता था, पूरा जिस्म पेन करने लग जाता था। तो प्लीज़ आपके साथ मैं यही शेयर करना था कि आप लोग ख्याल रखें, जो लोग रिमेर खान में रहते हैं, जो आने वाले हैं, जिनके रिलेटिव्स हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि अपना प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि यह मैंने आपको आप तक एक बात पहुंचानी थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।